मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? बुक करवा लेते टिकट्स, जाना तो हमें वैसे भी है। आप ठीक बोले हैं हूर जी, लेकिन हम कैसे करवा लें टिकट? अब देखिए ना, सानिया भाभी भी अपने घर हो गए हैं और न जाने कब तक वो उधर हो गए। उनकी बात छोड़ो, वो तो जब चाहे वापस आ जाए। अब तुम ये देखो ना, नुशाबा की शादी में देने कितने रह गए। पता है मुझे रोजाना फोन करके पूछती है कि आप लोग कब आएंगे, और दादी भी पूछ रही होती हैं। तुम बताओ मैं क्या करूं? अरे हूर जी, आप काहे परेशान हुए हैं? हम आज ही टिकट करवा लेंगे, बस खुश। नहीं, जब तक तुम हैदराबाद की टिकट्स मेरे हाथ में नहीं लाके रख देते, मैं खुश नहीं होंगी। अच्छा, तो ई बात है, तो ठीक है, हम आज शाम को आवेंगे तो टिकट लेके ही आवेंगे। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाजी सब खैरियत है? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस वो खालिद की तबीयत काफी खराब हो गई है। सानिया बेटी का फोन आया था, रो रही थी बहुत फोन पर। अल्लाह खैर करे। अब कुछ नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ अस्पताल उसको खालिद को लेकर। मैं भी चलूँ? नहीं मेरा बेटा, तुम घर पर ही रहो, मैं बच्चों को यहाँ भिजवा दूंगा। हाँ शौका है तो उसे अस्पताल भेज देना, और हाँ बेटा वो अंदर से दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, तू रात भी डर गई थी अकेले में। अबा जी बेफिक्र होके जाएं, मैं ख्याल रखूंगी। जीती रहो बेटा। इस वक्त कौन आया है? लगता है शोभा भाई आए होंगे। जी आ गई। तुम इस तरह मेरे घर में नहीं आ सकते। क्यों, ये मेरा घर नहीं है? क्या करने आए हो तुम इतनी रात? इतनी रात को मैं क्या करने आया हूँ? छोड़ दो फाद।
नूर, 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 नूर। नहीं दादी, हम कुछ नहीं जाने। आप बस जल्दी से वापस आ जावे। आप भी यहाँ नहीं है, नोबी भी अभी तक वापस नहीं आया। हमको आपकी जरूरत हुई है दादी। नहीं, हूर जी को होश तो नहीं आया, उसका ऑपरेशन भी हो गया, पर डॉक्टर अभी तक कुछ बताए ना है। डॉक्टर साहिबा जी, आप हमका बताए नहीं, हमारी बीवी अब कैसी है? मिस्टर काशिफ, मामला थोड़ा सीरियस है। क्या कोई खतरनाक बात हुआ है? हमारी हुजी ठीक तो है ना? वो ठीक है भी और नहीं भी। इस बात का क्या मतलब हुआ? हमने उन्हें बचा तो लिया है, लेकिन अब वो कभी क्या डॉक्टर साहिबा? I'm sorry, अब वो कभी माँ नहीं बन सकती।